नमस्कार, स्वागत है आपका हलचल इंडिया में। वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबर का। शामली में भाजपा नेता समेत उसके परिवार पर दबंगों ने हमला बोल दिया। कांडला थाना क्षेत्र के गांव डूडू खेड़ा में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा परिवार समेत रहते हैं। बताया जा रहा है कि उनके मोहल्ले के कुछ दबंग शराब पीकर अक्सर हुड़दंग करते हैं। रविवार को उन्होंने इसका विरोध किया, जिससे नाराज होकर दबंगों ने रात करीब 11 बजे घर में घुसकर हमला कर दिया। इसके बाद दबंग मौके से फरार हो गए। दबंगों ने भूपेंद्र शर्मा, उनके पिता सुशील, पत्नी संगीता के साथ मारपीट की, जिसमें सुशील गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें कांडला CHC में भर्ती कराया गया। हालात गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि भूपेंद्र, वंदना और दो बच्चों को भी चोटें आई हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। घटना के बाद से भाजपा जिला उपाध्यक्ष और उनका परिवार दहशत में है। भाजपा नेता का कहना है कि दबंग के डर से वह गांव छोड़ने को मजबूर हैं। भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि वह सरकार में रहते हुए भी अपना बचाव नहीं कर पा रहे। विशेष समुदाय के लोग उन्हें डरा धमका रहे हैं। उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। पीड़ित भूपेंद्र शर्मा ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मामला यह है कि पड़ोस में ही कुछ लड़के जो है हमेशा जो है शराब पी के जो है हमारे साथ गाली गलौज कर रहे थे। उन्हें मना किया गया तो उन्होंने जो है हमें मारने की कोशिश करी, पूरे हमारी औरतों को पीटा, हमारी जो है क्या नाम बच्चे थे उनको भी पीटा, हमारे पिताजी को जो है जान से मारने की नियत करी है। बड़ी मुश्किल से बच पाए, हमारे किवाड़ तोड़ दिए। अब हम उस गांव में, अगर वो लोग, क्योंकि दबंग टाइप के लोग हैं, पूरा गाँव एक है और हमारे तीन घर हैं वहाँ ब्राह्मणों के, और तीनों घर को भी जो है कब्जा करना चाहते हैं। हम अब उस गांव में हमने नियम बना लिया है, हमारा तो भगवान करेगा जो कुछ करेगा। और आज हमें ये भी पता चल गया कि सरकार में भी कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। अच्छा भूपेंद्र जी, ये मामला कौन से गांव का है? डुंडू खेड़ा गांव का है, और अब जो है हम उस गाँव में रहेंगे नहीं। अच्छा, हमला करने वाले कौन कौन लोग? हमला करने वाले जो है गुर्जर समुदाय से ही हैं। क्या नाम है उनका? नाम जो है संदीप, वो क्या नाम संदीप है, मोहित है, कई लोग, कुछ पहचाने कुछ नहीं पहचाने। रात में इतने लोग आए थे मारने के लिए कि सबके सब जो है बुरी तरीके से, ये था कि इन्हें जो है औरतों को भी उठा लो, ये भी उठा लो, इस तरह के जो है मामले उन लोगों के थे। अच्छा, हमला जो हुआ वो आपके घर पर हुआ है? घर पे हुआ जी, मैं तो आराम से, हम तो बात कर रहे थे पार्टी का, क्योंकि कल माननीय वो अपने अशोक कटारे जी का कार्यक्रम, तो मैं उस कार्यक्रम लगाने के लिए ऊपर व्यस्त था, फोन पर बात चल रही थी, और अचानक नीचे जो है एकदम से हाउल्ला हुआ। तो जब मैं जाके देखा मेरे पिताजी भी जो है बुरी तरह से काट कर डाल रखे हैं, और मेरे घर पे ही हमला हुआ है। आपने थाने में तहरीर दे दी? अभी तहरीर दे दी है, और आगे जो पुलिस क्या कार्रवाई करती है अब वो जाने। लेकिन हाँ, ये है कि निश्चित हमारे जान को वहाँ खतरा बना हुआ है, और वो लोग अब हमें गाँव में नहीं छोड़ देंगे। अच्छा, आप दबंगों के डर से आप गांव छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे, नहीं गांव रहा ही नहीं जो रहने लायक। उन लोगों को हमने एक मिनट नहीं, बिल्कुल वो लगते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम इनके मकान पर कब्जा कर लें, किसी तरह पीटते हैं। वो झगड़ा भी, मार पिटाई भी हम इसीलिए किए हैं कि किसी तरह यहाँ से गाँव में से निकल जाए, और ये हमारा जो है एक छत्र यहाँ हम रहें, ये लोग यहाँ ना रह पाएं।